आदमी गलत वकील चुन लेता है, गलत वकील को सेलेक्ट कर लेता है, तो आदमी पूरा पूरा बर्बाद हो सकता है। गलत वकील आपको पूरा बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए आप ये पूरा वीडियो आप धैर्य से देखिए, पूरा जितना भी टाइम का है पूरा देखिए, इससे आपको फ़ायदा होगा और आप दूसरों को भी समझा सकते हो। तो अपने वकील आप कैसे चुनेंगे? आप मर्द हो और आपको पता है कि कानून मर्दों के फेवर में है नहीं, या कानून मर्दों के लिए न्यूट्रल भी नहीं है, सब कानून मर्दों की विरुद्ध है, मर्दों के अगेंस्ट में है, तो वकील को कैसे आप चुनोगे कि जो आपके लिए सही सही तरीके से लड़ाई करे? ठीक है, तो पहली बात है कि वकील का एज क्या होना चाहिए, उम्र क्या होना चाहिए। ऐसे भी कोई भी वकील ले लोगे या कोई ठीक ठाक उम्र का वकील को लोगे, तो एक रूल जो हम कुछ लोगों को बोलते हैं कि आप फॉलो करो, ये है कि वकील का जो एज है वो 30-35 से स्टार्ट होना चाहिए और 50-55 वहाँ तक चलेगा, उसी रेंज का ही वकील का एज होना चाहिए मर्दों के लिए। और इसका क्या लॉजिक है मैं बता देता हूँ। देखिए, हम कोई भी वकील के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन हम इसका लॉजिक बताते हैं। ये पूरा जो कानून व्यवस्था है, जुडिशियल सिस्टम है, ये पुरुष के विरुद्ध बनाया दिया गया है। किसने बनाया? जुडिशरी ने बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया, वकीलों ने भी बनाया। ठीक है, जब ऐसा परिस्थिति है तो मर्द को पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, पूरा पूरा अपना केयर लेना पड़ेगा। तो जो वकील बहुत ही यंग होता है, नया नया प्रैक्टिस किया रहता है, तो उसके पास कोई जूनियर नहीं होते। एक तो एक्सपीरियंस कम होता है, उसका ड्राफ्टिंग का स्किल, जो लीगल डॉक्यूमेंट, जो कानून के डॉक्यूमेंट लिखने की जो क्षमता है वो कम रहता है, रहने की चांस होता है, और उसके पास कोई जूनियर एसोसिएट भी होने का चांस कम होता है। तो बहुत बार कोर्ट में ऐसा होता है कि आप कोर्ट गए हो, आपके वकील कोई दूसरे केस में बिजी है तो अपना जूनियर भेज दिया, राइट? और जो वकील समझिए 26-27 साल का है, 28 साल का है, तो उसका शायद उसके साथ शायद कोई जूनियर नहीं रहेगा। तो इसीलिए वकील का जो मिनिमम एज 32-33 साल तो होना ही चाहिए कि वो थोड़ा स्टेबल हो, राइट? और समझिए वकील जो है वो आपने ले लिया एक वकील जो 60 साल के हैं, जो ऑलमोस्ट रिटायर्ड स्टेज में है, उस तरीके का वकील आप ले लेते हो तो क्या प्रॉब्लम है? देखिए, हम कोई भी वकील के अगेंस्ट में नहीं है, आपको लेना है तो लो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जो बहुत ही ज़्यादा एज जिनका ज़्यादा रहता है वो थोड़ा पुराने ख्यालात के रहेंगे, शायद वो डिवोर्स को लाइक नहीं करेंगे। आपको चाहिए डिवोर्स, लेकिन उनको लगता है डिवोर्स जो है वो है पाप, डिवोर्स इज ए सिन, और वो कोई डिवोर्स करवा के वो कुछ खराब कर्म कर रहे हैं। जब आदमी 50-60 साल का हो जाता है तो वो अपना कर्मा के बारे में ज़्यादा सोचता है, और जो वकील 55-60 साल के हो जाते हैं, 65 साल के हो जाते हैं, तो एक बात तो तय है कि वो आपके कोई इनपुट नहीं लेंगे। वो आपका जो इनपुट जो आप देते हो ना, आपके तरफ से कुछ उनको बोलते हो, सजेशन देते हो, जो अलग है, वकील जो करते हैं उससे अलग है, तो वो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। वो यही बोलेंगे कि मैं वकील हूँ या तुम, मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दो और तू अपना काम कर। तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मर्दों की जो कोर्ट में कानून की लड़ाई होता है उसमें बहुत सारा चीज़ मेंस राइट्स, मर्दों के अधिकार की जो आंदोलन के हिसाब से आप लड़ोगे तो आप जल्दी बाहर निकलोगे। तो बहुत सारे वकील तो फॉलो नहीं करते हैं, अपने क्लाइंट जो मर्द है उसका बात सुनते भी नहीं है। तो जो आदमी का एज बहुत ज़्यादा है, जो वकील का एज बहुत ज़्यादा है, वो बिल्कुल सुनने का उनका चांस बहुत कम रहेगा। तो वो रहा एक बड़ा डिसएडवांटेज। तो इसीलिए आप टिपिकली यही रेंज पे चुनो। देखिए, पूरा सिस्टम नॉर्मल हो जाए, जेंडर न्यूट्रल कानून हो जाए, सबको मर्दों को हक फेयरली मिल जाए, तो फिर आप कोई भी वकील जो कॉलेज से पास हुआ है तो उनको ले लो, कोई वकील 70 साल का है उनको भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिस्टम को तो ठीक तो पहले बनने दो, तब तक आपको सेफ गार्ड लेना पड़ेगा, रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, लेना नहीं चाहिए। अब रहा दूसरी बात कि किस तरीके का, मतलब वकील कैसे चुनोगे। तो पहली बात है कि आप वकील मेंस ऑर्गेनाइजेशन से, मर्दों की ऑर्गेनाइजेशन से मत लो, क्योंकि
वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, बाकी सब हो जाता है। एंड उसमें कुछ गारंटी नहीं है कि मर्दों की ऑर्गेनाइजेशन से आपने वकील ले लिया तो वो वकील आपके लिए अच्छा लड़ेगा। ओके, तो बेहतर है कि आप 3 या 4 वकील ढूंढो जो क्रिमिनल लॉयर होना चाहिए। ओके, जो सिविल लॉयर नहीं, जो क्रिमिनल लॉयर होना चाहिए, और उसके पास ऑफिस होना चाहिए। तो जनरली वकील जो होते हैं इवनिंग में फ्री रहते हैं, 5, 6, 7 बजे फ्री रहते हैं, उनके ऑफिस में चले जाओ और देखो क्या उनके पास ऑफिस है, उनके पास कोई जूनियर है या नहीं है। तो एक रहा ये पॉइंट। फिर आप उनके उनको अपना केस ब्रीफली बताना, अपना सिचुएशन ब्रीफली, पूरा महाभारत नहीं बताना, 3 या 4 मिनट में आप उन्हें अपना सिचुएशन बताइए, ठीक है। फिर उनसे डिस्कशन कीजिए। समझे वकील बोलते हैं आपको कि नहीं, हम ऑपोजिट पार्टी को कॉल करेंगे, थोड़ा ये करेंगे वो करेंगे, फिर हम सेटलमेंट करेंगे और जल्द से जल्द बाहर निकाल देंगे आपको, तो वैसे वकील से आप काफ़ी सतर्क रहो, वैसे वकील आप मत लेना। आप वकीलों को क्लियरली बोलिए कि मुझे ये केस 7 या 10 साल तक लड़ना है, 5-6 साल लड़ना है मुझे, ये केस लंबा लड़ना है। अब वकील राजी है, ठीक है तुझे लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, तो वकील राजी है तो उस तरीके का लड़ाकू वकील को आप ले लो। जो भी वकील आपको बोलता है अरे यार केस में क्या है, वो तो चलता रहेगा लेकिन जल्द से जल्द सेटलमेंट कर दो, बाहर निकल जाओ, इस तरीके का लैंग्वेज कोई वकील बोल रहा है तो फिर आपके लिए मुसीबत हो सकता है। क्योंकि जो वकील सेटलमेंट के नाम पे रहता है तो वो फिर केस अच्छी तरीके से शायद लड़ेगा नहीं, फिर आपके ऊपर कॉन्स्टेंटली प्रेशर डालता रहेगा हर एक परिस्थिति में कि भाई अभी तो सिचुएशन ख़राब है और भी ख़राब हो जाएगा, तू अभी पैसा दे के सेटलमेंट कर ले, तेरे बीवी 50 लाख मांग रही है, तू अभी कितना देगा अपने तरफ से बता दे। तो आदमी पैसे का लेन देन में काफ़ी प्रेशर में आ जाता है हर एक सिचुएशन में, और वकील उस प्रेशर को बढ़ा देता है, डिफरेंट डिफरेंट परिस्थिति में वो बढ़ाता रहेगा। तो सेटलमेंट वाला मोड में ये भी बोला जाता है कि शायद वकीलों की कुछ कमीशन हो या वकीलों की इनकम सेटलमेंट में थोड़ा ज़्यादा हो। ओके, तो ये एक तरीके का चीज़ आपको नहीं फॉलो करना है, आपको पूरा लड़ना है, लड़ने का मूड में रहना है। भले आप 1 साल में निकल जाओ, 2 साल में निकल जाना चाहते हो या निकल भी जाओगे वो अलग बात है, लेकिन वकील जो है आपका वो तैयार रहना चाहिए उसको कि वो आपका केस 6-7 साल 8 साल तक लड़ने के लिए वो तैयार रहे। तो दैट शुड बी द प्लान वही होना चाहिए, ठीक है। फिर किस तरीके का वकील लोगे, और मतलब किस कैपेबिलिटी का, क्या बहुत बड़ा नामी वकील ले जाओगे तो वो बहुत ही कॉस्टली रहेगा, और बहुत ही छोटा मोटा वकील लोगे वो चीप रहेगा, शायद उसको एक्सपीरियंस नहीं है या उसका कुछ काबिलियत नहीं है। तो फिर आपको एक एवरेज वकील या एवरेज से थोड़ा ऊपर वाला वकील लेना चाहिए, ठीक है। और दूसरे क्या क्या पॉइंट है, हाँ वकील, देखिए वकील बड़े शहर का वकीलों की फ़ी अलग होता है, छोटे शहरों की वकील का फ़ी अलग होता है। कुछ कुछ शहर में तो वकील लोग गैंगअप भी हो जाते हैं, गैंग की तरह ऑपरेट करते हैं छोटे शहर में, तो आपको ये सब चीज़ में सतर्क रहना पड़ेगा। और ये है कि आप वकील को कैसे पेमेंट करोगे, क्या पे करोगे, कितना पैसा दोगे, तो इसके बारे में हम अलग वीडियो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन हम आपको यही बता रहे हैं कभी भी वकील के साथ में लंपसम डील जो है पूरा केस के लिए कभी बात मत करना। बहुत सारे वकील आपको बोलेंगे पूरा केस के लिए 1.5 लाख लूँगा, पूरा 2-3 केस है आपका 2 लाख लूँगा, 3 लाख लूँगा पूरा सभी केस, तो आपको लगेगा कि नहीं अच्छा डील है तो होलसेल है तो हर डेट में पैसा नहीं देना पड़ेगा, शायद वो डिस्काउंट देता है एंड ऑल दैट। तो कभी भी ये गलती मत करना, आप वकील को पहले कुछ एडवांस दो, छोटे शहर में 3-4 हज़ार रुपया दो, बड़े शहर है तो 5-6 हज़ार रुपया दो, एडवांस दो, फिर बोलते रहिए उनको कि भाई डेट पे हर डेट पे कुछ कुछ देता रहूँगा, हर महीना कुछ कुछ देता रहूँगा, कोई पिटिशन फाइल होता है तो उसका रेट बता देना, मैं देता रहूँगा प्लस माइनस करके मैं देता रहूँगा। तो इंस्टॉलमेंट में ही उसको हर वक्त पे करते रहिए ताकि आपका पूरा मामला कंट्रोल में रहे, वो काम कर रहा है आप पैसा पे कर रहे हो, काम करता है पैसा देते हो, ख़त्म बात। और आपको पसंद नहीं है तो फिर वकील आप बदल सकते हो, लेकिन आप समझो पूरा केस के लिए, एक केस के लिए 1 लाख का प्रॉमिस हो गया, आपने 50 हज़ार ऑलरेडी दे दिया, फिर तो
फिर तो देखिए कोई मोटिवेशन नहीं रहता जब आदमी को पैसा मिलता है किसी को भी। सोचिए आप कोई कंपनी, बड़ा कंपनी में काम करते हो और आपके कंपनी ने आपको 6 महीने का जो तनख्वाह पहले से दे दिया, सैलरी पहले से दे दिया, तो फिर थोड़ी ना आप उतना सीरियसली काम करोगे। तो काम फिर पगार, काम और फिर पेमेंट, वैसे ही होना चाहिए। और वो आप सीख जाओगे कैसे आपको समझो वकील फ़ी कम करना है, तो कोई मेंस ऑर्गेनाइजेशंस है, SIFF है, तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आप वकील का काम थोड़ा आसान कर दोगे तो फ़ी कम हो सकता है। तो वो सब अलग टॉपिक है, लेकिन ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये सभी पॉइंट्स आप याद रखें और इसको ही आप फॉलो करें। और एक बात है, कभी भी अपने मम्मी पापा माँ बाप को कभी भी आप वकील से मिलाना मत, मतलब बिगिनिंग में मिलाए मत और बाद में भी मिलने नहीं दीजिए, क्योंकि जनरली ये भी होता है कि कुछ वकील आपके माँ बाप को डरा देंगे, और आपके माँ बाप 70 साल के हैं तो वो डर जाते हैं, ओके। और वो डर, वो एक चीज़ होता है कि कुछ वकीलों की ये आदत है कि वो आदमी को ज़रूरत से, मतलब जितना डरना चाहिए उससे ज़्यादा डरा देते हैं, माँ बाप और भी ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं। तो वकीलों की ये एक मोटिव हो सकता है कुछ वकीलों की, कि आप जितना डर जाओगे तो उतना जल्दी आप कोई बड़ा रकम दे करके सेटलमेंट करोगे, ओके। तो औरत बोलती है 50 लाख 1 करोड़, तो आप फिर डर गए हो तो फिर आप भी ऑफ़र कर दोगे 20-25 लाख 30 लाख आप ऑफ़र कर दोगे, तो फिर ये तो पूरा एकदम एक मतलब कोर्ट जो है वो एक तरीके का बिजनेस वाला माहौल बन गया ना, फिर पैसे की लेन देन कोर्ट के थ्रू से। सोचिए एक साल में कितने सारे केस है, 4-5 लाख मिनिमम केस होते हैं, मैरिटल ब्रेकडाउन तो 6-7 लाख का होते हैं, तो ये सब पैसा का लेन देन कोर्ट के थ्रू से ही होना शुरू हो जाए तो ये कितना बड़ा कितना बड़ा वो ट्रांजैक्शंस बनेंगे पर एनम, सोचिए वो मतलब अरबों रुपया में चला जाएगा। तो ये चीज़ को हमको कंट्रोल में लाना है तो फिर सेटलमेंट की डायरेक्शन में नहीं जाना है। तो माँ बाप को इसीलिए वकीलों से थोड़ा दूर रखो, आप ही बात करो, आपका भाई है या कोई दोस्त है वो बात करेगा, चलता है। वकीलों से मिलते रहो, हर चीज़ वकील के साथ फ़ोन पे मत करना। आप दूसरे शहर में हो तो अलग बात है, लेकिन वकीलों से पर्सनली मिलना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये जो भी पॉइंट्स मैं अभी आपको बताया, तो ये सबको आप एक समराइज कर दो, पॉइंट वाइज आप नोट कर लो और रखे रहो अपने पास में, किसी दूसरे को भी बताता रहना, जिससे आपका भला है। और एक छोटी बात ये भी है कि वकीलों को पैसा पे भी करो, ठीक से पे करो। ऐसा नहीं है कि वकील को आप काफ़ी कम पैसा दे रहे हो और बहुत ज़्यादा बार्गेन करते हो, बिल्कुल नहीं देते हो पैसा, तो फिर वकील काम नहीं करेंगे। वो बोलते रहेंगे करेंगे काम, लेकिन आपके काम में डिले होता रहेगा। देखिए जैसे कोई भी प्रोफेशनल है, इंजीनियर है, डॉक्टर है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई भी बिजनेसमैन है, तो वकीलों का भी ऐसा ही है, उनका लाइवलीहुड के लिए उनको चाहिए। तो आप जो भी फ़ी है जो आपको ठीक लगता है नेगोशिएट किए हो, तो उसको रेगुलरली पेमेंट करते रहो। कोई बहुत ज़्यादा पेंडिंग पेमेंट मत रखिएगा, फिर क्या है वकील इंटरेस्ट नहीं लेगा, काम नहीं करेगा, फिर सडनली एक दिन कोई कोर्ट डेट नहीं गया और आपके अगेंस्ट में ऑर्डर आ जाता है तो फिर आप फंस गए, ठीक है। एक बार केस खराब हो जाता है ना, फिर उसके बाद में आपके केसेस को रिपेयर करना, उसको फिर से ठीक करना में जो है ना, उसमें बहुत खर्चा होता है, बहुत टाइम जाता है, बहुत मुश्किल है। तो आप यही सब पॉइंट्स को आप समराइज कर लो, एक लिस्ट बना के याद रखना, और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आप नुकसान होने से आप बच जाओगे। ठीक है गाइस, टेक केयर, धन्यवाद।